हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जीके विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। गुस्से में कांपते हुए महाराज ने अपनी तिलस्मी तलवार म्यान से निकाली और हेला सिंह तथा जयपाल की तरफ बढ़े, जो कमरे में बंधे खड़े कांप रहे थे। नजदीक ही था कि महाराज की तलवार ऊंचे उठती और दुनिया दो पापियों के बोझ से हल्की हो जाती कि एकाएक उस कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने अंदर आकर भारी आवाज में कहा, महाराज ठहरिए। महाराज चौंक कर रुक गए और उस तरफ देखने लगे। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसके बाल और लंबी दाढ़ी सन की तरह सफेद हो रही थी, नजर आया, जो लाठी का सहारा लेकर खड़ा था। महाराज को देख उसने बड़े अदब से सलाम किया और कहा, महाराज, इन दोनों हरामजादों के ऊपर मेरी भी एक नालिश है। इन्हें मारने के पहले मेरा भी हाल सुन लें और मेरा भी फैसला कर दें। महाराज ने ताज्जुब से पूछा, तू कौन है, यहां क्यों कर आया और क्या चाहता है? उसने जवाब दिया, मैं बड़ा भारी दुखिया हूं। अब से कई बरस पहले से इस तिलस्म में कैद हूं और इन्हीं दोनों की बदौलत तरह तरह की तकलीफें भोग रहा हूं। आश्चर्य में डूबे हुए महाराज और मालती उस बूढ़े को देखने लगे। बूढ़े का बदन उसकी उम्र का बोझ न सहकर टेढ़ा हो गया था और सिर, दाढ़ी तथा मूछों के बाल एकदम सफेद हो रहे थे। उसके कपड़े बड़े ही मैले, फटे और पुराने थे और उनमें से एक तरह की बड़ी ही बुरी बदबू सी आ रही थी। मालूम होता था कि बरसों से ये बदले या साफ किए नहीं गए थे। उसके बदन का वो हिस्सा भी जो खुला हुआ था, बहुत ही मैला और गंदा हो रहा था। कुछ देर तक ताज्जुब और गौर के साथ इस अजीब बूढ़े को देखने के बाद महाराज ने उसकी तरफ बढ़कर पूछा, तेरा क्या नाम है और तू कहाँ कैद था? बूढ़े ने फिर अदब से सलाम किया और कांपते हुए हाथों को जोड़कर कहा, कृपा निधान, मेरा नाम गोविंद है। बरसों से मैं इस तिलस्म में बंद हूं और इसी कमरे की बगल वाली कोठरी में पड़ा रहता था। आज पहले पहले यहां आदमियों की आवाज मैंने सुनी और बाहर निकलने पर महाराज का दर्शन पा कृतार्थ हुआ। अब मुझे पूरी आशा है कि महाराज के हाथों मेरा इंसाफ होगा और हम लोगों की ये दुर्दशा करने वाले पापी सजा पाएंगे। महाराज, क्या तेरे साथ कोई और भी है? बूढ़ा, जी हाँ महाराज, मेरे साथ एक गरीब दुखिया औरत है, जिसे मैंने यहां ही पाया था और जो मेरे भी पहले से यहां कैद और दुर्दशा के दिन बिता रही है। मेरी हालत से भी बदतर उसकी हालत हो रही है और मुझसे भी ज्यादा उसने दुष्टों के हाथों से कष्ट उठाया है। महाराज, उसकी ये दशा क्यों कर हुई और वो कहाँ है? बूढ़ा, उसकी दुर्दशा के कारण भी जयपाल, हेला सिंह और आपके दारोगा साहब हैं। उसका हाल जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ी ही दया आएगी। वो यहीं बगल में है और इस समय उसकी हालत इतनी खराब हो रही है कि वो उठकर यहां तक नहीं आ सकती। अगर महाराज उसे देख लें तो बड़ा ही अच्छा हो, क्योंकि मुझे तो ये भी विश्वास नहीं होता कि वो घंटे दो घंटे से ज्यादा जीती रह सकेगी। महाराज ने गुस्से के साथ जयपाल और हेला सिंह की तरफ देखा और तब कहा, अच्छा चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। मालती, तू यहीं खड़ी रह, मैं अभी आया। आगे आगे वो बूढ़ा और उसके पीछे पीछे तिलस्मी तलवार हाथ में लिए गुस्से से
होठ चबाते महाराज गिरधर सिंह उस कमरे के बाहर आए। बाहर का दालान पार कर बूढ़ा दक्षिण की तरफ घूमा, जिधर एक छोटा दालान और उसके बीचों बीच में वैसा ही काले पत्थर का एक शेर बना हुआ दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि चार उस कमरे के अंदर थे जिसमें से महाराज अभी आए थे। बूढ़े ने पीछे घूमकर कहा, कृपा निधान, उसी दालान में वो औरत है। दोनों उस दालान में पहुंचे, मगर वहां कोई कोठरी तो क्या दरवाजा तक नजर न आया। तीन तरफ संगीन दीवारें और एक तरफ पत्थर के खंभे थे और बीचों बीच में वो शेर बना हुआ था। बूढ़े ने ताज्जुब के साथ इधर उधर देखा और कांपते हुए कहा, महाराज, ये तो कोई जादू सा हो गया है। अभी तक इस सामने वाली दीवार में दरवाजा और एक कमरा था और अब यहाँ पक्की दीवार है। मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी आंखों का भ्रम है या कोई तिलस्मी कारीगरी। बूढ़ा ताज्जुब के साथ उस दीवार को दबाने, टटोलने और धक्का देने लगा। महाराज ये देख बोले, ठहरो, मैं वो कमरा खोलता हूं। इतना कह वे उस शेर के पास गए और उसकी एक आंख में उंगली डाली। दबाने के साथ ही कुछ आवाज आई और उस जगह जहां बूढ़े ने बताया था एक खुला हुआ दरवाजा नजर आया। महाराज ने घूमकर बूढ़े से कुछ कहना चाहा, पर उसी समय बूढ़े ने एक कपड़ा जो कमर में लपेटे हुए था खोलकर उनके ऊपर फेंक दिया और गर्दन पर डालकर दबाया। उस कपड़े में ऐसी बदबू थी कि महाराज बर्दाश्त न कर सके और कपड़ा हटाने की कोशिश करते करते ही बेहोश होकर गिरने लगे। बूढ़े ने उन्हें संभाला और उसी कपड़े में उनकी गठरी बांधी। इसके बाद उस गठरी को पीठ पर लाद वो उस कमरे में घुस गया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। खड़े खड़े मालती को महाराज की राह देखते हुए बहुत देर बीत गई, पर न तो महाराज ही लौटे और न वो बूढ़ा ही नजर आया। मालती को घबराहट और उसके साथ चिंता भी पैदा हुई और वो धीरे धीरे उस कमरे के बाहर निकलकर उधर ही को चली, जिधर महाराज को बूढ़े के पीछे पीछे जाते हुए उसने देखा था। अभी वो कुछ ही दूर गई होगी कि सामने से तेजी के साथ आते एक नकाब पोश को उसने देखा और डर कर रुक गई, क्योंकि उसे गुमान हुआ कि वो कहीं उसके दुश्मनों में से न हो। मालती को देख उस नकाब पोश ने अपनी चाल तेज की और लपकता हुआ उसके पास आ पहुंचा। यकायक ही वो रुक गया और ऐसे भाव से मालती का चेहरा देखने लगा मानो ये वो नहीं है जिसके होने की आशा में वो लपका था। मालती भी डरती हुई उसकी तरफ देखने लगी। आखिर नकाब पोश ने पूछा, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? मालती ने जवाब दिया, जब तक मैं तुम्हारा परिचय न जान लूं, अपना नाम नहीं बता सकती। पहले तुम बताओ कि कौन हो। यकायक नकाब पोश हंसा और उसने अपने चेहरे से नकाब उलटते हुए कहा, मैं पहचान गया कि तू मालती है। मालती ने इंद्रदेव को अपने सामने खड़ा पाया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो इंद्रदेव के पैरों पर गिर पड़ी। इंद्रदेव ने प्यार से उसे उठाकर उसका सिर सूंघा और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मालती, मुझे शेर सिंह की जुबानी कई रोज हुए तेरे छूटने की खबर लग चुकी थी और मुझे ताज्जुब हो रहा था कि छूट जाने के बाद तू कहाँ है या क्या कर रही है और मेरे पास क्यों नहीं आती। अब मुझे मालूम हुआ कि तू यहाँ फंसी रहने के कारण लाचार थी। मालती हाथ जोड़कर, जी, इस तिलस्म में तो मैं कल ही से बंद हूं, इसके पहले बिल्कुल स्वतंत्र थी। पर इंद्र, पर क्या? मालती रुकते हुए, पर मुझे आपके पास आते हुए डर मालूम होता है। इंद्र ताज्जुब से, मेरे पास आते हुए और डर? सो क्यों? मालती, क्योंकि मैंने
कैद की हालत में आपके बारे में ऐसी बातें सुनी जिनसे मुझे ऐसा विश्वास करना पड़ा। इंद्र, तू तो दारोगा की कैद में थी, तो उसी ने तुझसे वे सब बातें कही होंगी। मालती, सिर नीचा करके, जी हाँ। इंद्र, तब तू खुद ही सोच सकती है कि वे सब बातें कहाँ तक सही होंगी। खैर, तेरा जो कुछ संदेह होगा वो मैं दूर कर दूंगा। तू मुझ पर उतना ही विश्वास रख जितना अपने पिता पर रखती थी, पर कभी फुर्सत के समय मैं तुझसे बातें करूंगा। इस समय तू ये बता कि यहाँ कैसे आई और क्या कर रही है। मालती, मुझे हेला सिंह और रघुवर सिंह गिरफ्तार करके यहाँ ले आए, जिसकी कथा बहुत लंबी है और इस समय सुनाने का समय भी नहीं है, पर मुख्तसर ये है कि इस जगह महाराज गिरधर सिंह ने मुझे देखा और मेरा किस्सा सुना। इंद्र, क्या महाराज यहाँ आए थे? मालती, जी हाँ, अभी कोई घड़ी भर हुई तब तक वे मेरे साथ ही थे। उस समय एक बूढ़ा आदमी आया और उनसे कुछ बातें करके अपने साथ ले गया, बस उसके बाद से वे नजर नहीं आते कि कहाँ चले गए। इंद्र चौंक कर, बूढ़ा आदमी, उसकी क्या सूरत थी, उसने महाराज से क्या कहा? मालती, बड़ा ही बूढ़ा था, उसके सब बाल सफेद हो रहे थे और कपड़े एकदम गंदे थे। उसने महाराज से कहा कि उसे भी दरोगा ही ने इस तिलस्म में कैद किया था और उसके साथ एक औरत भी है जो अब मरने की हालत को पहुंच गई है। महाराज उस औरत को देखने के लिए उस बूढ़े के साथ इधर ही कहीं आए और न जाने कहां गायब हो गए। मैं हेला सिंह और रघुवर सिंह के साथ उस शेरों वाले कमरे में थी जब महाराज को देर लगाते देखा, घबरा कर इधर आई और आप नजर पड़े। इंद्रदेव ने अफसोस के साथ अपने माथे पर हाथ पटखा और कहा, जरूर वो कोई दुश्मन था और दगा कर गया। आह, अब इतने बड़े तलस्म में मैं महाराज को कहां ढूंढूं और उनकी जान बचाने की क्या तरकीब करूं। इंद्रदेव उसी जगह बैठ गए और माथे पर हाथ रख चिंता करने लगे। मालती बेचैनी के साथ खड़ी तरह तरह की बातें सोचने लगी। बहुत देर बाद इंद्रदेव ने सिर उठाया और मालती की तरफ देख के पूछा, उस बूढ़े आदमी के साथ महाराज किस तरफ गए, क्या तुझे मालूम है? मालती बोली, वे इसी तरफ आए थे और इस दालान तक आते हुए उन्हें मैंने देखा था, पर यहां से वे कहां चले गए मैं देख न सकी। इंद्रदेव ये सुन बोले, क्या इस दालान के अंदर आते हुए देखा था? मालती ने जवाब दिया, इसके पास तक आते तो देखा, पर आगे आड़ हो जाने के कारण देख न सकी। मैं नहीं कह सकती कि वे इस दालान के अंदर आए या किसी और तरफ घूम गए। इंद्रदेव ने दालान के बाहर चारों ओर निगाह की और कुछ सोच गर्दन हिलाई। इसके बाद शेर के पास जा उन्होंने उसकी आंख में उंगली डाली। पहले की तरह पुनः दीवार में एक दरवाजा नजर आया। मालती को पीछे आने को कह इंद्रदेव उस दरवाजे के अंदर घुसे। वो एक लंबा चौड़ा कमरा था जिसमें मालती ने अपने को पाया। जमीन पर सफेद संगमरमर का फर्श था और उस पर जगह बजगह काले पत्थर की छोटी छोटी बहुत सी चौकियां रखी हुई थीं। हर एक चौकी पर कुछ अंक खुदे हुए थे जिन्हें इंद्रदेव गौर के साथ पढ़ने और उसे घूम घूम कर देखने लगे। आखिर एक चौकी के पास पहुंचकर वे रुके और उसे हाथ से छूने पर कुछ गर्म पाकर खुशी के साथ बोले, बेशक इस पर कोई बैठा था, मेरा सोचना ठीक है, जरूर ये उसी कमीने की कार्रवाई है। इसके बाद वे मालती की तरफ घूमे और बोले, बेटी मालती, मुझे अब बड़े भारी तरद्दुद में पड़ना और बहुत कुछ चक्कर लगाना पड़ेगा। सब जगह तुझे साथ रखना असंभव है और साथ ही इसके यहाँ छोड़ जाना भी उचित नहीं, क्योंकि यहाँ तक दुश्मन आ पहुंचे हैं। अस्तु, मैं तुझे एक हिफाजत की जगह भेजना चाहता हूँ, तुझे किसी तरह की आपत्ति तो नहीं है? मालती ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ नहीं। जिसे सुन इंद्रदेव उसे लिए एक दूसरी चौकी के पास गए और बैठ जाने को कहा। मालती बैठ गई और तब संभली रहियो कहकर इंद्रदेव ने
कोई खटका दबाया। एक हल्की आवाज आई और तेजी के साथ वो पत्थर की चौकी जमीन के अंदर घुस गई तथा वहां गड्ढा सा नजर आने लगा, जिसके अंदर कुछ कल पुर्जों के चलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। इंद्रदेव कुछ देर तक वहां खड़े रहे, इसके बाद कुछ सोचते हुए पुनः उस चौकी के पास पहुंचे जिसे पहले देखा था। उस पर बैठ गए और एक खटका दबाने के साथ ही वो चौकी भी जमीन में धंस गई। बहुत नीचे उतर जाने के बाद एक झटके के साथ वो चौकी रुक गई। वो जगह जहां इंद्रदेव इस समय थे कैसी या किस तरह की थी, इसका कुछ पता नहीं लगता था, क्योंकि इस जगह इतना अंधकार था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। और इंद्रदेव ने इसके जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुरंत ही उस चौकी में फिर हरकत पैदा हुई और वो धीरे धीरे एक तरफ को धसकने या इस तरह दौड़ने लगी मानो उसके नीचे पहिए लगे हों। चलते समय एक तरह की हल्की आवाज चौकी के नीचे से आने लगी और उसकी सतह कुछ गर्म हो उठी, पर इतनी नहीं कि बुरी या तकलीफ दे मालूम हो। धीरे धीरे चाल तेज होने लगी और हवा के कड़े और बहुत ही ठंडे झोंके आने लगे, जिससे इंद्रदेव को अपना कपड़ा अच्छी तरह लपेट कर बदन को ढांक लेने पर मजबूर होना पड़ा। 15 मिनट के बाद चाल कम पड़ने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल ही कम होकर वो चौकी एकदम रुक गई। कुछ सायद के बाद पुनः झटका लगा और चौकी ऊपर की तरफ उठने लगी। थोड़ी देर बाद ऊपर उठना भी बंद हो गया और चौकी के रुकते ही इंद्रदेव फुर्ती के साथ उस पर से उतर पड़े। इस जगह भी घोर अंधकार था। इंद्रदेव ने अपनी कमर से तिलस्मी खंजर निकाला और उसका कब्जा दबाया। तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और इंद्रदेव ने देखा कि वे एक छोटी कोठरी में हैं, जिसकी तीन तरफ की दीवार पत्थर की संगीन बनी हुई है और सामने की तरफ लोहे का जंगलेदार दरवाजा है। घूम कर देखने से वो चौकी नजर न आई जिसने इन्हें यहां तक पहुंचाया था। जमीन साफ चिकनी बनी हुई थी। वहां एक काले पत्थर का चौकूटा पत्थर कोठरी के बीचों बीच में जड़ा हुआ जरूर दिखाई दिया, जो जमीन के बराबर ही में था। इंद्रदेव गौर से चारों तरफ देखने लगे। लोहे वाले दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ एक कपड़ा उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने झपट कर उसे उठा लिया। वो एक लबादा था, जिसे देखते ही उन्हें विश्वास हो गया कि ये उसी आदमी का है जो महाराज और मालती को दिखाई दिया था। उसके मुंह से खुशी भरी आवाज में निकला, बेशक महाराज का दुश्मन उन्हें लिए हुए यहां तक आया है, अभी वो बहुत दूर नहीं गया होगा। इंद्रदेव लोहे वाले दरवाजे के पास गए और उसे खोलने की तरकीब करने लगे, मगर यकायक उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि उन्हें जमीन पर बैठ जाना पड़ा। बार बार चक्कर आने लगा, दो एक छींकें भी आईं और वे अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गए। अफसोस, इंद्रदेव ने कैसा धोखा खाया। महाराज और उनके दुश्मन के पास पहुंचकर भी वे कुछ न कर सके। वो लबादा जिसे उन्होंने हाथ में उठाया और जिसे दुश्मन जानबूझकर वहां छोड़ गया था, बेहोशी के अर्क में डूबा हुआ था, जिसने घंटों के लिए इंद्रदेव की सुध-बुध भुला दी और उन्हें किसी काम का न रखा। दुश्मन को निकल भागने का काफी मौका मिला और इस जरा सी गफलत ने महाराज गिरधर सिंह को दुनिया से मिटा दिया। सवेरा होने के साथ ही राजा गिरधर सिंह के मरने की खबर जमानिया में फैल गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। गोपाल सिंह के दुख का तो कहना ही क्या, उन्हें तो दुनिया ही उजाड़ और वीरान मालूम होने लगी। सीधे और सरल चित्त कुंवर गोपाल सिंह के दिल से अपनी मां के मरने का सदमा अभी हटने भी ना पाया था कि ये कड़ी चोट भी उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। वे एकदम पागलों की तरह हो गए। हफ्तों तक उनकी ये हालत थी
कि न खाने की धुन, न सोने की परवाह, न रुकने वाले आंसुओं को रूमाल से पोंछते हुए हाय पिताजी, हाय पिताजी कहते रहते। इस अवस्था में उनके शरीर की हालत भी खराब हो गई, चेहरा पीला हो गया, आंखें धस गईं, बदन कमजोर हो गया और आवाज बैठ गई। उनके हितैषियों और प्रेमियों को तो ये डर हो गया कि अगर शीघ्र ही उनकी हालत न बदली तो उनकी जान पर आ बनेगी। उनके मुसाहिब और मित्र, विशेषकर इंद्रदेव, उन्हें बहुत कुछ समझाते बुझाते, दिलासा देते और कहते कि दुनिया की यही गति है, पर वे सिर्फ उनकी तरफ देखते। महाराज की खाली गद्दी की तरफ निगाह फेरते और तब रूमाल से मुंह ढांक के रो देते। उनके सलाहकारों की आंखों में भी आंसू आ जाता था और वे चुप हो जाते थे। उधर हमारे दारोगा साहब ने भी अजीब ढंग अख्तियार किया था। कुंवर गोपाल सिंह से ज्यादा उन पर महाराज की मौत ने असर किया था। अनशन व्रत धारण करके एक ही स्थान पर बैठे रहते थे। सामने महाराज की बड़ी तस्वीर रहती थी, उसी की तरफ देखते और रोते। कभी उसे कलेजे से लगाते, कभी आंसुओं से भिगोते, कभी उस तस्वीर को कपड़े पहनाते, माला फूल मंगा उसका श्रृंगार करते और धूप दीप से आरती करते। कभी नौकरों को एक चिता तैयार करने का हुक्म देते और महाराज की तस्वीर के साथ जल मरने का इरादा जाहिर करते थे। खाना पीना बंद हो जाने पर धीरे धीरे इनकी हालत बहुत ही खराब होने लगी और बिस्तर पर पड़ने की नौबत आ गई। लेकिन अगर कोई समझाता बुझाता या भोजन करने को कहता तो रोकर तस्वीर की तरफ हाथ उठाते और कहते, पहले मेरे मालिक को तो खिलाओ, फिर उनकी प्रसादी मैं भी ग्रहण करूंगा। धीरे धीरे यहां तक नौबत आई कि उनके दोस्तों को उनकी जिंदगी से नाउम्मीदी हो गई। सरल प्रकृति गोपाल सिंह को अपने पिता के स्वामी भक्त नौकर की इस हालत का पता लगा। यद्यपि बहुतों की तरह से उन्हें भी ये विश्वास था कि महाराज की जान जाने का कारण वही गुप्त कमेटी है, तथापि इस बात का उन्हें गुमान न था कि दारोगा ही इस काम का कर्ता धरता है। ये शक तो अभी तक इंद्रदेव, भूतनाथ और दलीप शाह तक ही था और वे तीनों ही दिलोजान से इसका असल पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर साथ ही यदि और कोई नहीं तो कम से कम इंद्रदेव इस बात से भी डरते थे कि अगर बिना सबूत पाए ही वे उस बात को, जो अभी तक सिर्फ संदेह के रूप में है, किसी दूसरे पर प्रकट करेंगे और पीछे से मालूम होगा कि उनका ये संदेह वृथा था और दरोगा का महाराज की मौत से कोई संबंध न था, तो उन्हें बड़ा ही पश्चाताप होगा और वे अपने को कभी माफ न कर सकेंगे। अस्तु वे उस समय तक इस बात को उठाया नहीं चाहते थे जब तक कि इसका पूरा निश्चय न हो जाए कि दारोगा को महाराज की मौत से कोई संबंध है अथवा नहीं। शायद यही सबब था कि इंद्रदेव ने गोपाल सिंह के इस बारे में अभी कुछ कहना उचित न समझा और गोपाल सिंह दारोगा के असली हाल से नावाकिफ बने रहे। अस्तु जब गोपाल सिंह को पता लगा कि दारोगा साहब ने महाराज के वियोग में अनशन व्रत धारण किया है और अपनी जान देने का संकल्प कर लिया है, तो उनके नाजुक दिल पर एक धक्का सा लगा और उन्होंने दारोगा से मिलने की इच्छा प्रकट की। कई आदमी दौड़े हुए दारोगा को ये खबर देने गए कि कुंवर साहब उनसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। इतना सुनते ही दारोगा साहब झिहक पड़े, कहां तो कमजोरी के सबब एकदम पड़े हुए थे, कहां ये बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए और बोले, हाय हाय, मैं कैसा पापी हूं जो अपने गम में डूबा रहकर मालिक के दुख में साथ न दे सका और उन्हें समझाने बुझाने की भी फिक्र न की। मैं अभी उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगा। नतीजा ये निकला
कि अभी कुंवर साहब दारोगा से मिलने का इरादा ही कर रहे थे कि सामने 10-5 नौकरों का सहारा लिए लड़खड़ाते आते हुए दारोगा साहब नजर पड़े। दारोगा साहब की इस समय अजीब हालत थी, सूख कर कांटा हो गए थे, तन बदन और कपड़ों की सुध-बुध न थी, दाढ़ी मूछ और सिर के बाल बढ़ाए हुए अजीब वैशियों की सी हालत में थे। उनके गले में तावीज की तरह लटकती हुई महाराज गिरधर सिंह की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसकी तरफ देख देख के पल पल भर में आंसू बहाते थे। दरोगा साहब को इस हालत में आते देखते ही गोपाल सिंह उठकर उनकी तरफ बढ़े। उधर वो इन्हें देखते ही दौड़े और पास आकर एकदम पैरों पर गिर जार जार रोने लगे। अपने हाथ से उनके आंसू पोंछते हुए गोपाल सिंह ने उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाया और दम दिलासा देकर एक कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर तक दारोगा अपने हाथों से मुंह ढांके हुए आंसू की झड़ी गिराता रहा। आखिर बहुत कुछ समझाने बुझाने से किसी तरह शांत पड़ा और कुछ बातें करने लायक हुआ। गोपाल, दारोगा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? कहां तो आपको मुझे इस दुख में शांति दिलाना था, कहां मुझसे ही वो काम ले रहे हैं। दारोगा, हाय, मैं अपने दिल का हाल क्या कहूं। वृद्ध महाराज को मैं अपना मालिक ही नहीं बल्कि बड़ा बुजुर्ग, यहां तक कि पिता समझता था, और वे मुझ पर अपने बेटे ही की तरह स्नेह भी करते थे। मुझसे कोई कसूर हो जाने पर भी वे मुझसे रंज नहीं होते थे बल्कि अकेले में समझा देते थे। हाय, अब उनके बिना मेरी क्या गति होगी। हाय महाराज, आप मुझे इस नरक में छोड़ कहां चले गए, मुझे किसके भरोसे पर छोड़ गए। नहीं नहीं, आप जानते हैं कि मैं आपके बिना जीता रहने वाला नहीं, मैं अभी आता हूं। गोपाल, दारोगा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। दारोगा, नहीं नहीं, मैं महाराज का मतलब समझ गया, आप दुनिया को छोड़ गए और अब मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मैं आज ही उनके पास जाऊंगा, आप मुझे न रोकें, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। गोपाल, और मुझे फिर किसके भरोसे छोड़ जाइएगा, ऐसा ही है तो फिर मुझे भी लेते चलिए। दारोगा, राम राम, ये आप क्या मुंह से निकालते हैं, ईश्वर आपको चिरंजीव करे, आप ही तो अब जमानिया की प्रजा के आशा भरोसा हैं। गोपाल, जब आप मुझे इस हालत में देख के भी नहीं मानते। दारोगा, हाँ ठीक है, बेशक आपकी तकलीफ तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। ओह, मैं कैसा स्वार्थी हूं कि अपने दुख के आगे मालिक के दुख का कुछ ख्याल नहीं रखा। और गोपाल, मेरी बुद्धि इस समय बिल्कुल खराब हो गई है, इस समय आप ही से जो कुछ आशा है सो है, अगर आप भी इस मौके पर मेरा साथ छोड़ देंगे तो मुझे भी लाचार होकर। दारोगा, सिर हिलाकर, बेशक बेशक, आपके ऊपर बड़ी भारी आफत का पहाड़ आकर गिरा है। गोपाल, अस्तु इस समय अपने इन फजूल इरादों को आप जाने दीजिए, मेरी हालत पर निगाह कीजिए, अपनी हालत देखिए और होश में आइए, इस समय आपकी मदद की मुझे बहुत भारी जरूरत है, आप स्नान इत्यादि कर कुछ भोजन करें और तब मेरे साथ बैठें, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना सुनना है, ये मैं मानता हूं कि पिताजी के मरने से आपको बड़ा भारी धक्का लगा है, पर क्या किया जाए, इसका कोई इलाज भी तो नहीं है, आप पर पिताजी जैसा स्नेह रखते थे मैं जानता हूं, मैं भी आपकी बड़े भाई के समान इज्जत करता हूं और बराबर करता रहूंगा, आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरी सहायता करें। ये सब राजकाज मैं कुछ जानता समझता नहीं, आप इसे देखें संभालें और मुझे भी शिक्षा दें, और साथ ही उन नहीं, पहले आप नहा धो लें तब बात होगी। मेरे दिल में इस समय
बहुत सी बातें घूम रही हैं जिनका आपसे कहना और आपकी राय लेना बहुत जरूरी मालूम होता है।